हेलो एवरीवन वेलकम टू ट्रू आई एस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी मनी सप्लाई क्या होता है मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या होते हैं सोर्सेज क्या होते हैं मनी सप्लाई की और एक आइडियल सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है मनी सप्लाई इतनी होनी चाहिए इतनी पर्याप्त मात्रा के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी डैट एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इस चीज़ में किसी को कोई डाउट तो नहीं दैट एग्रीगेट डिमांड मज बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ठीक है अब हम बात करते हैं इस लेक्चर के अंदर वॉट आर दी ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई और मनी सप्लाई को अब आप एक नया नाम भी दे सकते हो मनी स्टॉक मतलब ऑबीसी बात है मनी सप्लाई या मनी स्टॉक क्या है दैट स्टॉक ऑफ मनी स्टॉक ऑफ मनी विच इज विथ पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बस पब्लिक की डेफिनेशन में यहां पर कौन नहीं आता है हम किसको इंक्लूड नहीं करते हैं पब्लिक की डेफिनेशन में वेरी गुड सप्लायर्स ऑफ मनी या फिर प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी विच आर जनरली रिगार्डेड एस आर बी आई गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक राइट अब देखो यहां पर यह टॉपिक को ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट या टॉपिक स्टेट पी एस सी वगैरह में इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहे हैं थोड़ा सा हो जाता है या फिर थोड़ी सी नई चीज हो जाती है इसलिए स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर पाते हैं एक बार की बात है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है है बस ठीक ध्यान से समझना भारत के अंदर जो हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो ना चार ऑल्टरनेटिव मेजर्स को यूज करता है मनी सप्लाई के चार ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई यूज करे जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक होता है एम दूसरा एम तीसरा एम और चौथा M4, ठीक है M1, M2, M3 थ्री एंड एम इनको इस ऑर्डर में अरेंज करा जाता है in decreasing order of their liquidity. इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर लिक्विडिटी सबसे कॉमन मेजर इनमें से जो यूज होता है मनी सप्लाई के लिए वो यूज होता है M1, बिकॉज एम वन के अंदर अभी हम जो भी कॉम्पोनेंट्स को पढ़ेंगे उनको सबसे लिक्विड एसिड्स माना जाता है लिक्विड एसिड का यहां पर क्या मतलब है लिक्विडिटी का क्या मतलब है यहां पर लिखा हुआ था जैसे दे आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी वॉट डू भी मीन बाई लिक्विडिटी आप बता दो अभी तक तो सीखी गए होगी लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है लिक्विडिटी का मतलब इजिली कन्वर्टेबल इंटू इजिली कन्वर्टेबल इंटू कैश आराम से जिसको कैश के अंदर कन्वर्ट करा जा सके ओके तो सबसे पहले बात करते हैं एम वन क्या होता है और एम वन के कॉम्पोनेंट क्या होते हैं वॉट डू वी मीन बाय वन एम वन इज इक्वल टू सी प्लस डी डी प्लस ओडी अब ये सी प्लस डी डी प्लस ओडी क्या है यहां पर जो है मतलब मनी सप्लाई जो वन है इसके अंदर सी है डी डी है ओडी है सी का मतलब है करेंसी करेंसी किस किस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है पेपर नोट्स एंड क्वेंस विच आर हेल्ड बाई पब्लिक ये डीडी क्या है डी डी स्टैंड फॉर डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल इन द बैंक लेकिन कौन से बैंक जल्दी बताओ कौन सा बैंक कमर्शियल बैंक और एक करेंसी को कौन क्रिएट कर रहा है यहां पर पेपर नोट्स एंड कॉइंस कौन प्लस क्योंकि यहां पर कॉइंस भी लिखा हुआ है है ना और ये ओडी क्या है ओडी है अदर डिपॉजिट्स इन आरबीआई ये अदर डिपॉजिट्स क्या होते हैं मतलब भाई साहब ये करेंसी के अलावा और डिमांड डिपॉजिट्स के अलावा ये अदर डिपॉजिट्स क्या होते हैं तो देखो ये क्या होते हैं अदर डिपॉजिट्स क्या है तो दूसरे जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके डिमांड डिपॉजिट्स डिमांड डिपॉजिट्स फॉरन सेंट्रल बैंक के और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लाइक आई वर्ल्ड बैंक ठीक है लेकिन पर एक चीज आपको बोली हुई है स्टूडेंट फ्रेंडली एक बात बोली हुई है कि अदर डिपॉजिट मनी के ऑफिस है इतना तो आप समझ ही गए हो ना कि मनी सप्लाई के डेफिनेशन में सप्लायर्स ऑफ मनी वैसे भी नहीं आते हैं तो वो ये बोल रहा है कि अदर डिपॉजिट्स को देखते हुए कि आपको यहां पर दिखा के अदर डिपॉजिट्स मीन डिमांड डिपॉजिट्स पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिमांड डिपॉजिट सेंट्रल बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डिमांड डिपॉजिट तक बात ठीक है लेकिन इसको कैश मत मानना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या कमर्शियल बैंक अपने पास पास रखते हैं हैं क्योंकि वो cash, वो वो कैश 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 उनके पास नहीं जाता के सप्लायर्स बल्कि किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर गवर्नमेंट को भी नहीं माना जाएगा यहां पर क्योंकि कैश हेल्ड बाय द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई के अंदर ठीक है ये अदर डिपॉजिट्स के पार्ट नहीं है ये उनका डिपॉजिट नहीं है ये सप्लायर्स हैं मनी के तो ये वो उनके डिपॉजिट में काउंट नहीं होता वो उनके सप्लाई में काउंट होता है क्या ये बात आपको समझ में आई बताओ एम वन समझ में आया सिर्फ कॉम्पोनेंट हैं बस और एम वन क्या है सबसे कॉमनली यूज मेजर होता है मनी सप्लाई का क्योंकि इसके एसेट सबसे लिक्विड है बताओ करेंसी क्या सबसे लिक्विड फॉर्म में है पेपर नोट्स एंड क्वाइंस क्या इसको कन्वर्ट कराने की जरूरत है फर्दर डिमांड डिपॉजिट क्या काम कर देता है आपकी जगह अगर किसी को पेमेंट वगैरह करनी हो तो और एक्सेप्टेबल हो तो प्लस अदर डिपॉजिट आरबीआई के पास आरबीआई अपने काम निपटा लेता उससे अगर अगर आप अगर आपको ये ये कि यार सर ओडी नहीं सुना कभी भी डेली लाइफ के अंदर कि डिमांड डिपॉजिट्स पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिमांड डिपॉजिट्स फॉरेन सेंट्रल बैंक्स के इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के आपको एक बात याद है आपको एक बात याद है एलपीजी रिफॉर्म्स जब आए थे साल 1991 के अंदर जिसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तो हमने सात बिलियन डॉलर का लोन सात बिलियन डॉलर का लोन हमने बोरो करा था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से राइट right? करा था ना अब ये जो लेन देन होती है ये पैसा आया कहां से होगा जब उन्होंने सात बिलियन डाला, डाला होगा बताओ प्राइम मिनिस्टर क्रिच फंड में आया होगा ये क्या कहां गया होगा ये पैसा अरे आरबीआई के पास देख निगरानी रखेगा इसका आरबीआई है? है ना क्योंकि वही चुकाएगा वो प्रॉपर तरीके से बताएगा वरना वर्णाशाही सरकार तो ऐसे अंधाधुंध लोन लेते चले जाए और मिस करते पैसे का आरबीआई प्रॉपर केयर बनेगा ना तो ये जो अदर डिपॉजिट्स है ना दोस्तों यहां पर जो लिखा हुआ है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के और फॉरन सेंट्रल बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आई एम वर्ल्ड बैंक के जो डिमांड डिपॉजिट है ये डेली लाइफ में आपको इसलिए सुनने को नहीं मिलता मिलेगा भी नहीं कभी भी क्यों नहीं मिलेगा बिकॉज दीज आर डिपोजिट विदीआई आरबीआई आरबीआई का काम है ये हमारा काम नहीं है ये हमारे हाथ में भी कभी नहीं आएंगे ये इनटेस यू डू नॉट बिकम अ ब्यूरोक्रेट इसलिए ज्यादा दिमाग में लगाना कि सर ये क्या होते हैं डिमांड और वो करके वो आरबीआई का, का काम है आरबीआई जो कर रहा है ना दूसरे देशों के साथ जो पैसा जाता है या आता है या किसी का कर्जा चुकाना है किसी से बहुत साल पहले किसी कंट्री से लोन लिया था किसी इंटरनेशनल संस्था के पैसे हमें चुकाने हैं हमें उसका डिमांड ड्राफ्ट रखना है डिमांड ड्राफ्ट देना है ये सारे होते हैं अदर डिपॉजिट्स लेकिन अदर डिपॉजिट्स आर विद आरबीआई ओनली ये ओडी जो होता है इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई तो उसमें ज्यादा निराश होने की बात नहीं है कि हमें तो यह पता ही नहीं है कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्या आपको एम वन सप्लाई समझ में आया एम वन मनी सप्लाई जल्दी बताओ एम टू क्या होता है एम टू के अंदर एम वन की सारी चीजें हैं यानी कि अगर इसको मेरे को लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा एम टू इज इक्वल टू सी प्लस डी डी प्लस ओडी प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में भी खाते खुलते हैं आपको पता होगा पोस्ट ऑफिस में भी खाते होते हैं दादा दादी या नाना नानी के जमाने की अगर बात करो तो ये लोग इसी में खाता खुलवाते थे पता है ये वाली बात के नहीं है ना काफी सेफ एंड सिक्योर माने जाते हैं ना अर्पित क्योंकि सरकार का ट्रस्ट है और बहुत पुराने टाइम से लोगों का यह विश्वास रहता है भले ही स्टाफ मतलब पुराना हो वही पुरानी कुर्सी टेबल चेयर वाला और चाय जिसके अंदर मलाई आती है वो वाली चाय पीते हो अभी तक ठीक है हाँ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है ना उसके बाद एम थ्री एम थ्री के अंदर एम वन की सारी चीजें आती हैं अगेन अगर इसको एक्सपेंड करना हो तो कैसे बोलूंगा एम एम थ्री को एम थ्री इक्वल टू सी प्लस डी डी प्लस ओ डी प्लस नेट टाइम डिपॉजिट या कोई माइनस नहीं है आप सोचो कोई कुछ माइनस हो गया है माइनस कुछ भी नहीं है इट इज नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक ये टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं एक फिक्स टाइम पर जो डिपॉजिट्स होते हैं क्या होते हैं हाँ, ये हा एफडी एफ डी फिक्स डिपॉजिट सिंपली ये टाइम के एक्सपायर होने के बाद मिलते हैं आपको अगर आप एफडी को राश्री पहली तोड़वा दो आप अगर एफ डी को पहली तोड़वा दो तो आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा जितने साल के लिए एफ डी बनवाई होगी है कि नहीं अभिषेक जैसे मतलब मान लो आपकी शादी करनी है घर वालों ने एफडी बनवा दी कि जो भी है गोल्ड वगैरह ज्वेलरी बनवाएंगे हम लोग सौ तरह की ड्रामेबाजी करेंगे हम लोग शादी के अंदर ईशा की तो पांच साल के लिए एफडी बनवा दी उन्होंने एफ डी जनरली सैनी वैसे इसी के बनवाई जाती है ना हमारे देश के अंदर कि पैसा डाल देते हैं ना बेफकूसी लड़की है हमारी शादी हो जाएगी उसकी उसके बाद एम फोर एम फोर के अंदर एम थ्री की सारी चीजें आती है अब ये ध्यान से सुनना इज अ ट्रिक देर इज बिग ट्रैप इन दिस एम फोर के अंदर एम थ्री की सारी चीजें आती है अब एम थ्री पे क्या था एम वन की सारी चीजें थी प्लस नेट टाइम डिपोजिट बैंक था तो एम थ्री को अगर मेरे को लिखना हो तो मैं इसको कैसे लिखूंगा ध्यान से देखना एम थ्री को लिखने का तरीका है आई एम यूजिंग वाइट कलर करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स यहां तक तो एम थ्री में ना पूरा पूरा आ गया ना ये वाला पार्ट मैंने यहां पर उतार दिया एम थ्री के अंदर एम वन भी था एम वन की सारी चीजें मैंने लिख दी और M3 में एक चीज टोटल डिपोजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग एनएससी वॉट इज एन एस सी यहां पर पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपॉजिट एड होंगे लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं अभी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है इस लेक्चर के बाद आप मुझे बिल्कुल बेसिक तरीके से ये होमवर्क करके दो कि ये एनएससी क्या होता है एनएससी प्रॉपर तरीके से मीन बोलकर लिखाओगे सर मैं सुन लोगे मुझसे थोड़ा सा ठीक है सारे लोग लिख कर देना मुझे बस एन की चीजें यहां पर इंक्लूड नहीं होती दे आर एक्सक्लूडेड एम तो फोर जो है एम फोर जो है वो आराम से इतनी आसानी से लिक्विड नहीं बन सकता क्यों इट इज नॉट इजली कन्वर्टेबल एन टू कैश जितना एम वन हो सकता है एम वन सबसे लिक्विड था एम थ्री के अंदर एम फोर के अंदर कितनी सारी चीजें एम थ्री की सारी चीजें यानी कि नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक प्लस करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन लेकिन बस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का पार्ट इंक्लूड नहीं होता इसको आप सर्च मतलब इसको आप अगर मेरे को लिख कर दोगे अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा क्या है टोटल डिपॉजिट तो समझ गए ना बस पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन ये टोटल डिपॉजिट क्या होंगे शाइनी हर तरह के डिपॉजिट मतलब हर तरह के डिपॉजिट और हमने जो ऊपर पढ़ा था नेट टाइम डिपॉजिट क्या होंगे नेट टाइम डिपॉजिट क्या होंगे फिक्स डिपॉजिट और जो हमने एम टू में पढ़ा था नीचे एम टू और एम फोर में फर्क क्या है एम फोर कह रहा है पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ या बैंक के साथ टोटल डिपॉजिट और एम टू क्या कहता था कौन से डिपॉजिट डिपॉजिट टोटल नहीं सिर्फ सेविंग दो तरह के अकाउंट होते कि नहीं होते आप जब ATM में कार्ड लगाते हो तो सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट आता है कि नहीं आता जरूरी है कि सौगंधा आपके, आपके दोनों उसमें अकाउंट आप किसी को भी टिक कर लोगे क्लिक कर लोगे तो आपका पैसा निकल जाएगा बताओ अगर आपका सेविंग अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो करंट अकाउंट क्या ऑटोमेटिकली होगा आपका और अर्पित अगर करंट अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा नहीं ना ये चीज इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि थोड़ा सा टेक्निकल है बच्चों को बहुत तंग करता है पेपर के अंदर क्योंकि वो कॉम्पोनेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं इसके और फिर वो परेशान रहते हैं इसके सिर्फ नाम जानने देर इज नथिंग टू नो अबाउट दिस के इसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ने लगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ये सीबी सचदेवा है इसके अंदर इस, इसका बेसिक कॉम्पोनेट यहां गिवेन नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं हम क्यों छोड़े भाई हम तो सारा पढ़ेंगे कि पोस्ट ऑफिस बैंक क्या होते हैं इनके टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है लेकिन फॉर दैट यू हैव टू वेट फॉर हायर लेवल बुक ऑफ मनी एंड सप्लाई दैट इज नितिन सिंघानिया थर्ड एडिशन उसके अंदर 80 पेजेस का कंटेंट गिवन है पूरा का पूरा मनी बैंकिंग का तब हम देखेंगे उसको कि ये बाकी चीजें क्या हैं पर तो टाइप्स ऑफ बैंक आपको कमर्शियल बैंक और इक्के बैंक देखेंगे वहां पर हम कम से कम सत्रह अठारह के बैंकों को पढ़ेंगे ठीक है एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं लास्ट उसके बाद आज हमारा मनी का टॉपिक पूरी तरीके से खत्म चैप्टर का नाम क्या था मनी एंड बैंकिंग मनी आज हमारा खत्म होने जा रहा है इसके बाद बचेगा सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग उसके बाद चैप्टर खत्म लेकिन ये सिर्फ हैटेंट टॉपिक बहुत सारे स्टेट पीएससी में और ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है एंड अबाउट इट देखो हमारे देश में जो मॉनेटरी अथॉरिटी है आरबीआई आरबीआई की जो टोटल लाइबिलिटी होती है उसको कहा जाता है हाई पावर्ड मनी या फिर मॉनेटरी बेस दो नाम होते हैं इसके मॉनेटरी बेस कह लो या फिर हाई पावर्ड मनी कह लो अभी आराम से समझते से है क्या राइटर क्या कहना चाहता है हमसे ये एक ऐसा मनी है विच इज क्रिएटेड और प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकिन जनरली आरबीआई तो इसके अंदर होता क्या क्या है ड मनी इंक्लूड करेंसी चाहे वो नोट की फॉर्म में हो चाहे सिक्को की फॉर्म में हो अब क्योंकि यहां पर सिक्को की बात होती है ना इसलिए यहां पर लिखना पड़ता है हमें टोटल मनी क्रिएटेड और प्रोड्यूस बाई गो बस इसलिए सिक्को की वजह से और एक रुपए की नोट की वजह से लेकिन इसके अलावा करेंसी के अलावा यहां पर क्या होता है वोल्ड कैश ऑफ कमर्शियल बैंक वोल्ड कैश मतलब कमर्शियल बैंक की तिजोरियों में जो पैसा पड़ा रहता है और यह पैसा क्यों पड़ा रहता है बस लेट द टॉपिक ऑफ बैंकिंग गेट स्टार्ट तब हम पढ़ेंगे लेट इट गेट स्टार्टेड कमर्शियल बैंक के पास क्यों पैसा पड़ा रहता है ये क्यों पैसा रखते हैं अलग अलग रेट आपने सुने होंगे ना रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट इतना रखना ही पड़ता है वरना आरबीआई का डंडा बच जाएगा वरना अगर इतना मिनिमम नहीं रखेंगे ठीक है तो वो होता है वर्ल्ड कैश ऑफ कमर्शियल बैंक इतनी तिजोरी में उनको इतना मिनिमम अमाउंट रखना ही पड़ता है कि कल को वो ट्रस्ट मेंटेन कर सके और ये सिर्फ कमर्शियल बैंक का जो वर्ल्ड है कमर्शियल बैंक के पास नहीं रहता इनको कुछ पैसा सैनी कहां पर भी रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक को किसके पास अपने बिग डैडी के पास बिग डैडी कौन आरबीआई क्यों कल कोई लैप्स कर गए भाग गए कोलैप्स कर गए तो किसका पैसा नहीं डूबना चाहिए पब्लिक का और तीसरा इट इंक्लूड्स कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक जिसको वो आरबीआई के पास रखते हैं इसलिए मैंने आपसे बोला एक तो वो खुद रखते हैं तो उसको बोलते हैं वॉल्ट कैश वॉल्ट कैश मतलब आप लोगों ने जो अपने घर की तिजोरियों में रखा हुआ है वॉल्ट वोश आप लोगों ने जो अपने घर की तिजोरी में रखा हुआ है कैश रिजर्व हा सिक्योरिटी नहीं अरे आपकी तिजोरी में रखा हुआ है सिक्योरिटी क्या सिक्योरिटी तो कुछ भी हो सकती है सिक्योरिटी तो आप मेरे पास भी रख सकते हो वर्ल्ड कैश ठीक है अब आशिमा आपने आपने जितने भी स्टॉक्स खरीदे हुए हैं जितने भी क्रिप्टो खरीदे हुए हैं आशिमा नहीं है क्या अच्छा कोई बात नहीं उसने ना मेरे अकाउंट से खरीदे हुए हैं मतलब शी हैज गिवन मनी टू मी उन मनी से मैंने अपने अकाउंट में परचेस करके उन स्टॉक्स को रखा हुआ है उन क्रिप्टोज को रखा हुआ है लेकिन वो है आशिमा का पैसा ही

लायबिलिटी टू रिफंड डिपॉजिट मतलब ये एक प्रकार का मतलब आप ऐसा मान लो कि जैसे कहते हैं ना कि बाप बनने के बाद अपना फर्ज निभाना होता है तो यहां पर जो आरबीआई है जो सरकार है वो भी देश में जो लोगों का पैसा उन्होंने रख रखा है जो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम जिस पिलर के ऊपर टिका हुआ है कल को कुछ भी हो जाता है तो वो सेंट्रल बैंक होने का फर्ज निभाएंगे वो सरकार होने का फर्ज निभाएंगे बिकॉज ये उनके ऊपर एक प्रकार से लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है क्या कि अगर कुछ कल को कुछ भी होता है बैंक डूब जाते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो दे हैव टू रिफंड द डिपॉजिट्स ऑन डिमांड मतलब जब जिसकी डिमांड आई उनको इतना रिफंड करना ही पड़ेगा फ्रॉम द डिपॉजिट होल्डर्स और डिपॉजिट होल्डर्स यहां पर कौन है कमर्शियल बैंक्स आरबीआई वगैरह जिसे मतलब मान लो पर्सन के तीन करोड़ रुपए हैं अब तीन करोड़ की जरूरत अगर उसे आज ही पड़ गई ना तो बैंक यह बोल सकता है कि हाँ कल परसों आ जाना हम इंतजाम करवा देंगे लेकिन बैंक को देने पड़ेंगे क्योंकि वो मेरा पैसा है वो मेरा पैसा है देना पड़ेगा क्या शायनी, बैंक ये बोल सकता है शायद तीन तीन हजार रुपए करके ले लेना अपने तीन करोड़ रुपए नहीं ना अगेन इफ अ पर्सन प्रेजेंट करेंसी नोट टू आरबीआई इक्वल वैल्यू की करेंसी आरबीआई को उसे जो कि प्रिंटेड और नोट के ऊपर वो देनी पड़ेगी और इसका प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूं याद है फटा पुराना नोट वाला प्रोसीजर याद है लाइटर से वो जलाते हैं और नंबर लिखते हैं फिर रजिस्टर वगैरह के ऊपर अब क्योंकि देश में पूरे के पूरे इस सारी प्रक्रिया को आरबीआई कंट्रोल करता है आरबीआई डंडा बजाता है क्योंकि आरबीआई ना ऐसा नहीं चाहता कि कल को उसके ऊपर ब्लेम लगे कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश इस प्रकार से खराब करी कि मैं अच्छा बाप नहीं हूं और बच्चे यहां पर कौन कमर्शियल बैंक बाप कौन सबको सुधारने वाला पूरी फैमिली को साथ लेकर चलने वाला आरबीआई आरबीआई क्योंकि देश में पूरे मनी की सप्लाई कंट्रोल कर रहा है इसलिए उस मनी को बोला जाता है हाई हाई पावर्ड पावर्ड मनी मनी ये इसलिए है जनता का ट्रस्ट आरबीआई फिर भी टूटे नहीं देगा अगर बैंक डूब भी गया तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग भी गई तो या किसी ने अगर अपने डिपॉजिट करे हुए पैसों की डिमांड कर भी दी तो आरबीआई ये ट्रस्ट नहीं टूटने देगा आरबीआई मिनिमम इतना लेकर इतनी करेंसी लेकर इतना कमर्शियल बैंक के पास वर्ल्ड में कैश रखवाकर और आरबीआई खुद भी कमर्शियल बैंक का पैसा अपने पास रखवाकर यह चीज सुनिश्चित कर पाता है बैंक मनी थोड़ा सा डिफरेंट होता है हाई पावर्ड मनी से बिकॉज बैंक मनी तो सिर्फ एक ऐसा क्रेडिट होता है जो कि कमर्शियल बैंक ने क्रिएट कर रखा होता है चेक के माध्यम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पे ऑर्डर के माध्यम से बैंक मनी को हम लोग क्रेडिट मनी भी कहते हैं क्यों फेस वैल्यू जिसकी ज्यादा हो उसकी कमोडिटी वैल्यू से चेक पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट क्या आपको अब आप ये सब चीजें याद है इनकी फेस वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती साढ़े सात करोड़ सत्तर करोड़ सात सौ करोड़ सात हजार करोड़ बताओ हो सकती है लेकिन क्या सच में कागज इतना महंगा बना हुआ है क्या बताओ बैंक मनी एक छोटी सी चीज है लेकिन ये जो हाई पावर्ड मनी है ये एक थोड़ा सा बड़ा एम्ब्रेला है जिसके तीन कॉम्पोनेंट है करेंसी जिसको पब्लिक सर्कुलेट कर रही है नोट्स और क्वाइंस की फॉर्म में एक ऐसा तिजोरी में पड़ा हुआ कै, पैसा जो कि कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना मैंडेटरी है और ऐसा पैसा जिसको कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना मैंडेटरी है जैसे आपको पॉकेट मनी मिली या शगुन पे पैसे मिले तो जैसे मम्मी कहती है ना कि मुझे रख, मुझे दे दे तू पूरे के पूरे खर्च कर देगा या खर्च कर देगी सिमिलरली आरबीआई भी, भी कहता है इस यही यही इसी प्रकार की चीज कमर्शियल बैंक को कि मेरे पास पैसे रख दो तुम्हारे पैसे सुरक्षित है क्योंकि तुम्हारा हाथ ढीला है कल को तुमने पूरे के पूरे डुबा दिए तो ये पैसे बर्बाद हैं जैसे आपको ग्यारह हजार रुपए या कुछ भी मतलब फालतू के कोई भी नोटंकी ड्रामा करने के आपको पैसे मिले ना तो मम्मी पापा रख लेंगे वो आपसे क्योंकि वो आपको समझेंगे आप निब्बे निब्बिया हो तो आपके हाथ में नहीं देंगे वो पैसे उस चीज के वो रख लेंगे हमारी सौगंधा बनी ऐसी बचपन से लेकर अभी तक विक्टिम नहीं सौगंधा दिस इज कॉल्ड मॉनिटरी बेस और बेस मनी इन इकॉनमी ठीक है हमारा मनी का पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंकिंग चैप्टर का नाम था मनी एंड बैंकिंग मनी का पे टोटल तरीके से खत्म अब शुरू करेंगे बैंकिंग इन दोनों का बेस आपका यहां से बन जाएगा और उसके बाद धमाकेदार तरीके से हम लोग सीवी ससदेवा में देखेंगे और फॉर्म्स फॉर्म्स ऑफ ऑफ मनी एंड अदर बैंकिंग बैंकिंग आफ्टर कंप्लीटिंग फ्रॉम दिस बुक इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं क्या किसी का कोई डाउट है किसी भी तरीके का किसी का कोई डाउट या कुछ भी चीज ऐसी समझ में नहीं आई हो राष्ट्रीय हम कोई डाउट तो नहीं है राष्ट्रीय ठीक है तो इस डिस्कशन में इतना ही थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन